हे गाइस, दिस इज हियर रोहित और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप लाया हूँ जिनमें कि आपको बहुत अच्छी स्पीड मिले और आप अपने इस लैपटॉप में डिफरेंट वर्क के साथ अपने गेमिंग को भी आराम से, मतलब कि छोटे मोटे गेम्स को आराम से स्मूथली रन कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको इस प्राइस रेंज में 40,000 की रेंज में आपको कौन कौन सी बेस्ट लैपटॉप्स इस टाइम पर देखने को मिलती है। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है HP का HP 15। जी हाँ, आपको इस लैपटॉप में मिलती है एक बहुत ही अमेजिंग 15.6 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले, वो भी फुल HD के साथ, जिसमें आपको मिलता है एंटी ग्लेयर। तो आपको इसके डिस्प्ले से एक बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको इसके डिस्प्ले से कोई भी ऐसा डिसेंट सा फीलिंग या फिर ब्लैक शेडो देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में मिलती है एक बहुत ही अमेजिंग AMD की रजन की 3250U प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रोसेसर है। और यहाँ पर AMD एक खासियत होती है कि आपको उसमें एक, अगर आप लेते हो अपने AMD का Ryzen 3 प्रोसेसर, तो आप उसमें गेमिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको उसमें कोई भी ऐसा जो होता है लैग इशू देखने को नहीं मिलेगा, आप उसमें अपने गेमिंग्स को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने गेमिंग को भी आराम से स्मूथली यूज़ कर सकते हो। साथ ही आपको इस लैपटॉप में मिलती है एक बहुत ही अमेजिंग 8GB की DDR4 RAM, जिसमें कि आपको बहुत अच्छा स्पीड देखने को मिलेगा। साथ ही आपको मिलती है एक 1TB की SSD और 256GB की SSD। जी हाँ, तो यहाँ पर जो HP ने अपने इस लैपटॉप में अपने सभी फीचर्स को पैक किया है, आपको उसे मिलती है एक बहुत ही अमेजिंग 8GB की DDR4 RAM, आपको मिलती है बहुत ही बड़ी स्टोरेज विथ SSD के साथ, साथ ही आपको मिलता है AMD का प्रोसेसर। तो आप इसमें अपने स्पीड को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपको इसमें कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही आपको इसमें सभी पोर्ट्स जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि AMD के आपको जो आती है लैपटॉप, उसमें आपको मिलती है बहुत ही अमेजिंग सी टाइप की एक पोर्ट, जिससे कि आप अपने डिफरेंट इक्विपमेंट्स को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो और अपने वर्क को इन्हेंस कर सकते हो। साथ ही आपको इसमें मिलती है बहुत ही अमेजिंग USB का 3.2 पोर्ट्स आपको मिलती है, HDMI पोर्ट्स आपको मिलती है, RJ45 जैक, हेडफोन जैक, बहुत ही अमेजिंग MicroSD कार्ड रीडर। तो आप इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस को, डिफरेंट डिवाइसेस को अपने लैपटॉप से आराम से कनेक्ट कर अपने वर्क को इन्हेंस कर सकते हो। साथ ही आपको इस लैपटॉप में विंडोज 10 का जो आता है जेन्युइन वाला वर्जन मिलेगा और आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एसर का एसर एस्पायर 5। जी हाँ, एसर एस्पायर 5 इस प्राइस रेंज में आने वाली एक बहुत ही शानदार लैपटॉप है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है बहुत ही अमेजिंग मेटल बॉडी। जी हाँ, तो इस टाइम पर कोई भी कंपनी आपको मेटल बॉडी नहीं देती है, बट यहाँ पर एसर की इस एसर एस्पायर 5 में आपको मिलती है बहुत अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, जिसमें कि आपको मिलता है इंटेल कोर i3 का लेटेस्ट 10th जनरेशन प्रोसेसर, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छा स्पीड देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको मिलता है इसमें 4GB का रैम, जी हाँ, DDR4 रैम मिलता है। साथ ही आपको मिलता है 32GB का ऑप्टेन मेमोरी। तो यहाँ पर ऑप्टेन मेमोरी आपके लैपटॉप की स्पीड को बहुत ही बूस्ट करता है, जैसे कि आपको अपने लैपटॉप को सर्च किया कि ये फाइल कहाँ पर है, तो उस टाइम पर आपकी लैपटॉप जो होती है आपकी रैम फ्लैश करती है अपने स्टोरेज को और पूछती है कि ये फाइल कहाँ पर है। तो उस टाइम आपकी जो होती है ऑप्टेन मेमोरी, उस टाइम उसको हेल्प करती है ताकि उस डेटा को वो जल्दी से खोजे और आपको डिस्प्ले करे। तो यहाँ पर आपको मिलती है 32GB की ऑप्टेन मेमोरी। तो ये लैपटॉप जो है इस प्राइस रेंज में आने वाली एक बहुत ही शानदार लैपटॉप है और आपको मिलता है इसमें 512GB का NVMe M.2 PCIe NVMe SSD। तो आप इसमें अपने वर्क को, अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस को बहुत ही आराम से स्मूथली कर सकते हो और इसकी लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और आपको इसे मिलती है बहुत ही अमेजिंग 14 इंचेस की कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले, जिसमें कि आप अपने डिफरेंट वर्क को बहुत ही आराम से स्मूथली कर सकते हो। और साथ ही आपको इस लैपटॉप में सभी लेटेस्ट जेनरेशन के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको इसमें USB का 3.2 पोर्ट्स, आपको HDMI पोर्ट्स, RJ45 जैक, हेडफोन जैक, MicroSD कार्ड रीडर्स देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें अपने डिफरेंट डिवाइसेस को भी अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो और अपने वर्क को इनहेंस कर सकते हो। और आपको इस लैपटॉप में भी मिलती है बहुत ही अमेजिंग विंडोज 10 का एक लेटेस्ट जेन्युइन वर्जन, जिसमें आपको कोई भी ऐसा जो होता है फॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा, आप इसमें अपने वर्क को बहुत आराम से सिक्योरिटी के साथ कर सकते हो। और आपको इसकी जो बैटरी बैकअप है आपको लगभग 7 to 8 hours की देखने को मिलेगी। और इसके पहले जो मैं बताया था लैपटॉप आपको HP का 15, इसमें भी आपको लगभग 7 to 8 hours तक की बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाली है। तो बैटरी बैकअप के मामले में आपको इन सभी लैपटॉप्स में मिनिमम 7 to 8 hours की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे अपने वर्क को लंबे टाइम के लिए कर सकते हो, आपको इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत महसूस नहीं होगा। और उसके बाद में हमारा आता है डेल का डेल इंस्पिरॉन 3501। जी हाँ, तो यहाँ पर डेल जो है अपने सभी लैपटॉप्स पे बहुत ही काम करता है, खास करके इंस्पिरॉन सीरीज पर डेल बहुत ही वर्क करता है। तो ये लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 3501, जो कि बहुत ही अमेजिंग लैपटॉप है। जी हाँ, आपको इसमें मिलती है बहुत ही अमेजिंग फुल HD डिस्प्ले, जिसमें कि आपको मिलता है 15.6 इंचेस का, जो कि बहुत बड़ी डिस्प्ले है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में मिलती है 8GB की रैम। जी हाँ, आपको इसमें मिलती है 8GB की DDR4 रैम विथ आपको 1TB की HDD एंड
256 GB की SSD। तो यहाँ पर जो है डेल ने भी अपने इस लैपटॉप में बहुत सारी बड़ी स्टोरेज दिया है ताकि आप अपने डिफरेंट फाइल्स को आराम से अपने लैपटॉप में रख सको और कभी भी आप उसे एक्सप्लोर कर सको। यहाँ पर जो ये डेल का एक्सपीरियंस 3501 है, ये इस प्राइस रेंज में आने वाली एक शानदार लैपटॉप है और आपको इसे मिलता है इंटेल कोराई 3 का लेटेस्ट 10th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल प्रोसेसर में से एक है। आपको ये प्रोसेसर बहुत सारे लैपटॉप्स में देखने को मिलती है और वाकई ये लैपटॉप जो है और ये प्रोसेसर जो है ये बहुत ही शानदार प्रोसेसर में से एक है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में भी सभी लेटेस्ट जनरेशन के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको इसे मिलती है USB का 3.0 पोर्ट्स, 3.2 पोर्ट्स आपको मिलते हैं, HDMI पोर्ट्स, RJ45 जैक, हेडफोन जैक एंड microSD कार्ड रीडर। तो आप इसमें अपने डिफरेंट डिवाइसेस को भी अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो और अपने वर्क को इन्हेंस कर सकते हो। और आपको इसकी बैटरी बैकअप भी आपको लगभग 7 to 8 आवर्स की देखने को मिलने वाली है, जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि वो आपकी बैटरी आपकी लैपटॉप जो है वो आपको 10 आवर्स की बैटरी बैकअप देगी, बट आप 7 to 8 आवर्स आराम से एवरेज रख सकते हो और अपने वर्क को लंबे टाइम के लिए कर सकते हो। और मैं आपको इन सभी लैपटॉप्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो अगर चाहते हो कि मैं इसे परचेस करूँ तो आप मेरे दिए गए नीचे लिंक से परचेस कर सकते हैं और आप अपने वर्क को इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेल का डेल वोस्ट्रो 3401। जी हाँ, डेल वोस्ट्रो 3401 में भी आपको मिलता है इंटेल कोराई 3 का लेटेस्ट 10th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल प्रोसेसर में से एक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बहुत ही अच्छी प्रोसेसर है और मैं पिछले एक साल से इस इंटेल की कोराई 3 लेटेस्ट 10th जनरेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही अच्छी प्रोसेसर है जिसमें कि आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। साथ ही कुछ मिलती है 14 इंचेस की एक कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले जिसमें कि आप अपने वर्क को इन्हेंस कर सकते हो और आपको इसमें बहुत ही अमेजिंग एंटी ग्लेयर का सपोर्ट मिलता है, तो आप इसमें कोई भी आपको जो होता है ब्लैक शेडो देखने को नहीं मिलेगा। और आपको इस लैपटॉप में मिलती है 4GB की DDR4 रैम विथ 1TB की HDD एंड 256GB की SSD। तो यहाँ पर जो है डेल अपने लैपटॉप में अभी बहुत सारे काम कर रहा है और आपको डेल के वोस्ट्रो साइज में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और जो लैपटॉप है इसमें आपको मिलती है सभी पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको इसकी बैटरी बैकअप भी वही 7 to 8 आवर्स तक की देखने को मिलेगी और आपको इसकी जो विंडोज़ है वो भी आपको इसमें विंडोज़ 10 जेन्युइन देखने को मिलने वाला है। और मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट लैपटॉप की, जो कि हमारा है डेल का डेल वोस्ट्रो 3590। और मैं बेसिकली डेल वोस्ट्रो 3590 को बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप देख पा रहे हैं ये है मेरा डेल का डेल वोस्ट्रो 3590। बेसिकली ये लैपटॉप बहुत ही अमेजिंग है। जी हाँ, इसमें आपको मिलती है इंटेल कोराई 3 की लेटेस्ट 10th जनरेशन प्रोसेसर और मैं आपको दिखाऊँ अगर इसमें आपको मिलती है एक 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही इमर्सिव है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ी डिस्प्ले है, साथ ही आपको इसकी जो देख पा रहे हैं कीबोर्ड की साइज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपको इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, आप इसमें अपने डिफरेंट वर्क्स को बहुत आराम से स्मूथली कर सकते हो। और फिर ट्रैक पैड, जी हाँ, सबसे अच्छी होती है खासियत किसी भी 15.6 इंचेस लैपटॉप की, उसकी ट्रैक पैड बहुत ही अच्छी होती है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ी ट्रैक पैड है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको जो उसकी होती है यूज़ करते वक्त बहुत ही आराम से अपने वर्क को कर सकते हो। और ये जो लैपटॉप है ये मुझे एक साल हो गया यूज़ करते हुए, इसकी बैटरी बैकअप मुझे अभी इस टाइम पर 6.5 आवर्स की मिल रही है। और बेसिकली ये लैपटॉप इस टाइम पर बेस्ट है और आप इसे परचेस कर सकते हो। और आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छी लैपटॉप मिले जिसमें कि बड़ी डिस्प्ले हो, एक अच्छी प्रोसेसर हो, तो ये जो लैपटॉप है डेल वोस्ट्रो 3590 ये आप लोगों के लिए इस टाइम पर बेस्ट होने वाला है। तथा आपको इस लैपटॉप में सभी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको इसमें USB के 3.0 पोर्ट्स, USB के 2.0 पोर्ट्स, HDMI पोर्ट्स, हेडफोन जैक, microSD कार्ड रीडर्स, बहुत सारे पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलते हैं जैसे कि आप अपने डिफरेंट वर्क्स को अपने लैपटॉप से कर सकते हो और अपने डिफरेंट डिवाइसेस को भी अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये थी टॉप 5 लैपटॉप्स अंडर 40,000। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।